आपको मैं हिस्ट्री 24 चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं कुछ रूल बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लासेस का। मैथमेटिक्स का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। आप जब तक पढ़ेंगे इसको तब तक ये आपके साथ रहेगा। तो पहला रूल है इसमें से प्लस का रूल है। इसको प्लस प्लस को प्लस किसी संख्या को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैंने 6 और प्लस 5 को ऐड किया तो हो जाता है 11 प्लस में, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसका रूल है कि अगर माइनस और माइनस को ऐड किया जाएगा तो ये होता है माइनस। माइनस माइनस को ऐड किया जाएगा हो जाएगा माइनस। फॉर एग्जांपल इसका माइनस 6 माइनस 5 को ऐड करेंगे तो माइनस 11 हो जाता है। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं तो इस रूल को विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर का रूल है माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन। माइनस और माइनस रूल है, इसमें बीच में अगर आपको मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई अगर दिया गया है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल है इसका माइनस 6 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। नेक्स्ट है इसका, जैसे कि इसमें माइनस है एक प्लस है, तो इसमें जैसे ये वाली संख्या, पहली वाली संख्या अगर ये बड़ी संख्या है, मान लीजिए माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है तो इसमें माइनस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका माइनस 6 प्लस 5 को हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या बड़ा है, जैसे कि ये संख्या तो इसे प्लस वाली बड़ी मानी जाती है, लेकिन संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या क्या है हमारी, बड़ी है। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसका सिंबल क्या लगा, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और 6 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1, माइनस 1। पाँचवा नंबर का रूल है, अगर हमने इसमें प्लस वाले को बड़ा मान लिया, यानी कि इस जैसे माइनस था ये प्लस है, प्लस वाले को मैंने बड़ा माना तो बड़े वाले का निशान यहाँ पर लग जाएगा, तो इसमें दोनों में कौन बड़ा है, प्लस वाला, तो प्लस का निशान यहाँ लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया माइनस 5 प्लस 6, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो इन दोनों में बड़ा कौन सी संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगी 6, तो इसके आगे क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। थैंक यू।